हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में आगे। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस के बहुत सारे रूल्स को पढ़ चुका है, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को बेसिकली जो सेंटेंस मिलता है वो क्वेश्चंस के रूप में होता है। यानी जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो आप कहते हो कि वो जो सेंटेंस है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बात करने वाले हैं, दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ये डायरेक्ट स्पीच में है। और इसमें जो क्वेश्चंस है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो इसका जो आंसर आप देते हो, मान लो आपसे कोई ये क्वेश्चन कर रहा है आर यू कमिंग, तो आप इसका आंसर दे सकते हो यस में और नो में। या तो आप यस बोल सकते हो या तो नो बोल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें बोला जा रहा है ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, आपसे पूछा गया कि व्हेन आर यू कमिंग, तो आप इसमें यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हो। तो जब यस और नो में आंसर दे सकते हो तो उसके लिए कुछ अलग कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगा। और जब आप डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में बात करो, व्हाट व्हेन वेयर, तो इन सब के बारे में जब आप बात करोगे और जहां पे आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हो, उस तरह के क्वेश्चंस, उस तरह के सेंटेंसेस में थोड़ा सा कंडीशन हम लोग अलग यूज करेंगे जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे। तो चलो देखते हैं रूल्स क्या है चेंज करने के लिए। रूल नंबर वन कहता है कि जो सेट टू है उसको या तो आस्क में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में या इंटरोगेटेड में बदल दीजिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो रहेगा, मतलब जो सेंटेंस का सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सेट टू को आस्क में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में या इंटेरोगेटेड में बदलना है या बदल दीजिएगा। रूल नंबर टू कहते हैं जो क्वेश्चन मार्क होगा डायरेक्ट स्पीच में, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप फुल स्टॉप में बदल दीजिएगा। रूल नंबर थर्ड देखते हैं, यूज कंजक्शंस इफ और वेदर, आपको कंजक्शन यूज करना है इफ और वेदर। कब यूज करना है? जब आंसर यस और नो में हो, जो इस कंडीशन में, यानी जो मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप यस और नो में कर सकते हो, उसके लिए आप कंजक्शन इफ और वेदर का यूज करो। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आप कह सकते हो कि यस और नो में आप आंसर नहीं कर सकते हो, या यूं बोलो कि डब्ल्यू एच फैमिली का है, तो आप उस केस में, उस कंडीशन में कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी डू यू नो मी, उसने मुझसे पूछा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो सबसे पहले ये तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ये सेड है, तो ये चेंज इसलिए होगा क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसमें है, पास्ट में है, तो चेंज तो हम लोग करेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कुछ नया रूल्स आया है। क्या रूल्स आया है? यस और नो का। तो डू यू नो मी, इसमें आप यस और नो आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यस या फिर आप बोल सकते हैं नो, वेदर आई नो यू और आई डोंट नो यू, आप ये बोल सकते हो। तो यस और नो में आंसर जब कर सकते हैं तो यस और नो के लिए क्या है, कंजक्शन इफ या वेदर का यूज कीजिए। तो इसमें भी यूज हुआ है, ही आस्क मी, डैट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कंजक्शन इफ यूज करेंगे। सेट टू को हम किस में बदल दिए, आस्क में, जैसा आप भी देखो सेट टू को हम लोग आस्क में, क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदल सकते हैं और बदलेंगे। ही आस्क मी इफ आई न्यू हिम, आई जो है वो यू के जगह पे चेंज हुआ है। प्रोनाउन चेंज करने का जो रूल्स है वो मैंने आपको पार्ट वन में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है इसलिए मैंने पहले कहा आप पहले पार्ट वन पार्ट टू देख लो। यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ही सेड टू मी, वो मुझे ही बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आई का यूज हुआ है, इफ आई न्यू हिम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ को आप बताइए कि यस और नो में आंसर किया जा सकता है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, आपसे काम के बारे में पूछा रहे कि आप कर क्या रहे हैं, तो जब नहीं किया जा सकता तो कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन, ये जो नो है इसको आप एक्चुअली ये नाउ होगा, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे के नहीं होगा नाउ होगा। नाउ को हम लोग किस में चेंज करते हैं, देन में चेंज करते हैं, पार्ट टू में आपको बताया गया है। तो सी आस्क्ड हिम, सी सेड टू को आस्क में बदल दिया गया, सी आस्क्ड हिम व्हाट का व्हाट रह गया, डैट यूज नहीं करेंगे, कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली का है और इसको यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं। और ही वॉज डूइंग देन, ही कहाँ से आया, तो ये जो आप जानते हो प्रोनाउन जो चेंज किया जाता है, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो ही वॉज डूइंग देन, व्हाट ही वॉज डूइंग देन। एक बात आप समझो कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा
हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, इसलिए ताकि जो सेंटेंस बने वो किसी तरह का क्वेश्चन सेंटेंस ना बने, किसी तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस ना बने। जैसे यहाँ देखो, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग, ही पहले आया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बाद में आया, ही वॉज डूइंग देन, नाउ का दिन में चेंज कर देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी When will the train arrive? अब ट्रेन के बारे में कोई क्या पूछता है तो आप उसको बोलते हैं इंक्वायरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, ही इंक्वायर ऑफ मी। इंक्वायरी जो है या इंक्वायर जो है वो अपने साथ ऑफ लेता है, क्या लेता है, ऑफ। तो ही इसलिए बोला है ही इंक्वायर ऑफ मी when, अब ट्रेन पहले लेंगे और बाद में विल को वुड में चेंज करेंगे। मॉडल में आपको बताया गया कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल का शुड में, तो व्हेन द ट्रेन वुड, क्योंकि सब्जेक्ट पहले हम लोग लेंगे और हेल्पिंग वर्ब बाद में लेंगे ताकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ना बने, इसलिए व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कभी सेंटेंस में ये सर या मैडम या योर ऑनर इस तरह का कुछ ऑनरेरी वर्ड मिले, तब आप उसमें थोड़ा सा अलग कंडीशन है जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।